नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और लेके आ गए हम लोग हमारी सुपर 30 लीग चैंपियनशिप का एक और मैच। ग्रुप बी में से भिड़ रही है हैम्पशायर और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें आपके सामने, दोनों टीमें आज की, और एम्पायर्स बिग बैन और यान गोल्ड। बात करें अगर रैंकिंग की तो हैम्पशायर जो है रैंक 4 पर है, 2 में से एक मैच जीती है। चेन्नई ने अपने दोनों मैच जीते हैं अभी तक। सिडनी नंबर 1 पर है। अब देखना यह है कि यहाँ पर क्या होता है, क्या चेन्नई नंबर 1 पे आ पाएगा या नहीं, जीतना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए अभी के लिए टॉस हैम्पशायर के नाम, और हम हर बार की तरफ बॉलिंग ले रहे हैं। पहले रनचेज में आएंगे चेन्नई के सामने। मैच के लिए तैयार, पहली गेंद विली आते हुए इनसाइड हैश, डुप्लेसिस का हैश से लगता हुआ चौका। शुरुआत अच्छी रही है, ये बात अलग है कि कुछ खास नहीं रही थी, एज लगती गई थी, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बढ़िया शॉट खेला है 4 रन मिड ऑफ से। कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ेगा पहली गेंद के बाद तो डेफिनेटली। डुप्लेसिस बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में हमारी गेम में, लेकिन आज के दिन नहीं, आज के दिन जल्दी जाना होगा। एज एक बार फिर लगी है, कीपर के हाथों से होंगे आउट। ये पहली ओवर में सफलता हैम्पशायर के नाम, कोई खास अटेम्प्ट नहीं किया था। पहली गेंद भी इन्होंने स्टंप के आसपास ही रखी थी, इस बार भी यही किया। गुडलैंड से सीधी अंदर गेंद डाली थी, हल्का सा मदद मिला पिच का, इन स्विंग गेंद और बल्लेबाज आउट। डुप्लेसिस बहुत बड़ा विकेट, 4 में 8 बना के आउट। सुरेश रैना, सुरमे रैना, ऑन पेपर हैम्पशायर के चांसेस बहुत ही कम है, पर बढ़िया फील्डिंग से यहाँ पर रोक रहा है। अभी स्पीड में वेरिएशन लगातार और यकीन से, पर एक बार फिर सुरेश रैना 0 पे आउट हुए हैं। अभी 2 दिन पहले हमारे में गोल्डन डक लेके गए थे और यहाँ पर लगातार खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। आज से पहले मैंने 5-5 में इस सीरीज में किसी टीम को ऑल आउट किया नहीं है, पहली बार मौका है चेन्नई को हमें ऑल आउट करने का। 5 विकेट लेने पे ऑल आउट हो जाती है टीम, और यहाँ पे रहना 0 पे आउट। नए खिलाड़ी अंबर रायडू, जिम्मेदारी बड़ी, सेट करना है, हिट भी करना है। कोडी अब्राहम नेक्स्ट गेंदबाज, बाकी रायडू रूम दिया है, गैप में चला गया है, लेकिन उम्मीद से परे। जिस तरह से शॉट लिया था लग नहीं रहा था 4 निकलेंगे। अच्छी शुरुआत की है, देखते हैं बड़ी कर पाते हैं या नहीं। इसके बाजी में थोड़ा सा परिवर्तन, यहाँ पे फिर से रूम देख सकते हैं, कवर पैक है इसलिए पॉइंट पर से निकाल रहे हैं 4। क्या इस बार फिर रूम दिखाएंगे? जी नहीं, डॉट गई है, बाउंस भी आई है, हल्की सी कैच का चांस तो नहीं था लेकिन मिस किया है शॉट। 9 रन इस ओवर से ऑलरेडी आ चुके हैं। एक बढ़िया शॉट गैप में से स्क्वायर की तरफ से जाएगा 4, अंबाई बिलाडू लाजवाब 4 में 12। मार्क क्लेमसन अगली गेंदबाज, स्पिनर आए हैं, किसकी साइड गेम ले जाएंगे वो देखना होगा। पहली गेंद फिर से गैप, भाई चेन्नई ने भले पहले शॉट मिस किए थे पहले ओवर में, लेकिन उसके बाद से जो गैप शॉट लगाए हैं लाजवाब। गेंदबाज कोई बहुत खराब गेंदबाजी नहीं कर रहे, तो बल्लेबाज फिर से गैप में जाती हुई गेंद निकल गई है 4 के लिए। कप्तान की चिंता चेहरे पे दिखती हुई, आती हुई सबसे इंपॉर्टेंट गेंद, आखिरी गेंद फ्लिक किया है 4 गेंदें, 3 गेंदें डॉट के लिए थी, यहाँ फिर से गैप खेला है, 2 निकाला है, 10 रन इस ओवर से आए हैं। बीच की 3 गेंदें डॉट चली गई इसलिए थोड़ा बेहतर गया होगा। चौथे ओवर के लिए चैनी फेंगू, अरे वाह क्या नाम है, विकेट 2, रन रेट 10 के ऊपर, एक सीधी गेंद, बल्लेबाज बीट। स्पीड वेरिएशन यहां पे देखते हैं किसका काम करेगा, बल्लेबाज की साइड गया है, ये पढ़ लिया था स्लोअर गेंद को, मार दिया है चौका। 20 गेंदें 35 कर लिए रन, और रे पॉइंट लगता है इनका फेवरेट है। फील्डिंग बदल रहा हूं मैं, पॉइंट पे ला रहा हूं, कवर पे हटा रहा हूं, थोड़ा डर है कि अब कवर पे ना खेलने लगे। हाँ कवर पे ही खेलना चाह रहे हैं, खेल गए हैं गैप में, फिर से निकालेंगे 2 आसानी के साथ। आप फील्डिंग बदल रहे हैं, बल्लेबाज अपना शॉट खेलने की स्टाइल बदल रहा है, परफेक्ट क्रिकेट देखने को मिलता हुआ। मैं चाहता हूं कम से कम एक और विकेट लूं यहाँ। अरे आउट, सीधा पैरों पर जाके लगी है, DRS का ऑप्शन है पर यहाँ पर एम्पायर की उंगलियाँ उठ चुकी हैं और अभी के हिसाब से जाना होगा पवेलियन। इसके लिए बातचीत करते हुए और नहीं लिया है DRS, अंबर रायडू ने 10 में 22 करके आउट हुए, मिल गया महेंद्र सिंह धोनी, सोचा नहीं था 5 ओवर में आएगी इनकी बैटिंग। गोल्डन डक बच गए। टाइम आउट टियोस एंडरसन, भाई बहुत वॉटसन शुरू से आए, सिर्फ 7 गेंदों पर ही स्ट्राइक मिला है और अब फाइनली इन्होंने बड़ा शॉट लगाया 6 रनों के लिए। जी हाँ 6 रन, 8 में 15 17, 50 के पार जाता हुआ यहाँ पे एज लगी है, फील्डर है पॉइंट पे, धोनी आएंगे स्ट्राइक पे, अब आएगा मजा असली, मैं आउट करना है इनको। पैरों पर ही दे रहे हैं गेंद, स्लोअर, अरे रे कवर पे खेल गए, मत डालो भाई फुल लेंथ।
आखिरी दो गेंदें और फिर से कवर का शॉट नहीं, यहाँ पे गुड लेंथ पड़ने के बावजूद इन्होंने कवर पे ही खेलना सही समझा। क्या 60 प्लस भी जाएगा स्कोर? जी हाँ, सेम शॉट, बाउंसर पे कोई बाउंस मिली नहीं है, बहुत महंगा ओवर, सबसे खराब इस मैच का ये ओवर। खराब शुरुआत के बाद एक शानदार स्कोर चेन्नई रख रहा है यहाँ पे, 5 ओवर के बाद 62, 12 से ज़्यादा रनों की शुरुआत होगी शुरू से ही रन रेट की। बैटिंग में वॉटसन ने सेट किया, एंड भी किया और साथ मिला यहाँ पे अंबर रायडू का, धोनी कुछ खास नहीं कर पाए, निराश किया रैना ने और डुप्लेसिस के साथ भी यही कहेंगे हम लोग। गेंदबाजी में हीरो रहे यहाँ पर विली, 2 विकेट निकाले 8 रन देकर, उसके बाद थोड़ा बहुत क्लिमसन, बाकी सबकी हुई है पिटाई यहाँ पर। 1 विकेट लिया भेंगू ने भी, उन्होंने भी अच्छी किया और अब होगा रन चेज। एंडरसन और रोसू आ रहे हैं, इन्होंने तो गेंदबाजी भी की थी टाइमोस ट्यूफिस ने। गेंदबाजी में ठाकुर, 29 मैच 12 विकेट। शुरुआत कैसी होती है? हाँ बेहतरीन हुई है, बेहतरीन हुई है, 1 बाउंस नहीं, 6 गया यहाँ पर एंडरसन का। धोनी की चिंता पहली गेंद से, शुरुआत का फायदा उठाना होगा, उठा लिया यहाँ दूसरी बाउंड्री और कल्याण गेंद पर से। पहली गेंद का सामना रोसो, इन्होंने भी सेम शॉट खेला है और ये रिजल्ट लेकिन थोड़ा सा कम है, 2 रन कम चौका। क्या एक और बड़ा शॉट पॉसिबल है? ओए ये गया है 6, है नहीं करके दिखाया है, अनएक्सपेक्टेड शुरुआत। और अब आए स्पिनर गेम चेंजिंग ऑफसाइड पे, एक बड़ा शॉट लेने की बहुत इच्छा है, कैच का पोजीशन है लेकिन फील्डर को बीट किया, ऑडियंस में भेजा गेंद को 6 रनों के। सीरीज की सबसे अग्रेशन वाली बैटिंग है ये और उसको और कंटिन्यू कर रहे हैं, 29 6 गेंदों में स्पिनर को पीट दिया है यहाँ पे। 2 के एक बड़े से स्कोर को जोक बना दिया है, गैप में गिर रही है गेंद, किस्मत ने दिया सारा रन आउट का चांस, स्ट्रेट पोजीशन में रन आउट हो सकते हैं लेकिन मिस किया अभी। 7 गेंदे 31 रन, बहुत गलत गेंद लेकिन शायद इस बार कैच होगा। जी हाँ फाइनली यहाँ पर बाउंड्री लाइन पे कैच आउट होते हुए एक बहुत बढ़िया पारी का एंड हुआ है, चांसेस बनेंगे यहाँ पे चेन्नई के लिए पूरे से। और एक बहुत बढ़िया पारी 8 में 31। एक चीज मैंने नोटिस की कि सभी 70 प्लस वाले प्लेयर हैं, बढ़िया बैटिंग लाइनअप है, रिस्क लेने के लिए तैयार। रोसो नहीं, गेंद अच्छी है, वापस किया रैना ने लेकिन डाइव उस तरफ मार दी स्ट्राइकर एंड पे, दूसरा विकेट यहां गिरा रहा, गिर गया होम साइड का, गेम चेंजिंग मूवमेंट बिना बैटिंग के कप्तान आउट। 73 रेटिंग सेबास्टियन निल्सन अगले बल्लेबाज, और ताहिर एक और स्पिनर धोनी ला रहे हैं। हरा गेंदे 25 रन और यहाँ पे 6 मिडल पे नहीं ऑफ पे रखो ताहिर, सिंपल सा लॉजिक लगा। धोनी 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 बड़े शॉट्स के साथ ही मैं फिनिश करना चाहता हूँ यहाँ पे गेम, और कोई देख सकते हैं मैं रिस्क ही ले रहा हूँ, सुबह और छक्का यहाँ पे, डिफरेंस खत्म यहाँ पे गेंद और जो रनों का था पूरी तरह से। मैंने सोचा नहीं था कि हेम्पशायर इतनी स्ट्रॉन्ग टीम निकलेगी यहाँ पर गैप में, 38 बीट पे कोई है ही नहीं डीप में, लेग साइड पे इसी ओवर में मैच खत्म हो सकता है। कैच का फिर से चांस है, क्राउड बहुत एक्साइटेड है इस मैच के लिए, 6 रन और आना पड़ा धोनी को समझाने के लिए ताहिर को कि क्या कर रहे हो भाई, खत्म 3 रन चाहिए से। यहाँ पर ओपनर ने तो बैटिंग की ही की, अरे पहले गिर गया है तो चांस, कैच ड्रॉप हुआ क्या? कैच नहीं, ड्रॉप नहीं, कैरी किया यहाँ पे और ताहिर को मिला यहाँ विकेट नंबर 2। इस मैच में अभी भी आगे हम शायद औपचारिकता बाकी है 3 रन करने। लियाम डॉसन नए बल्लेबाज, साइड चेन नहीं, ओवर द विकेट ही आ रहे हैं और फिनिश नहीं हुआ है, लेकिन और खोया यहाँ पे, चौथा विकेट गिरा है क्या? अरे हाँ भाई चौथा गया है, 3 नहीं 4 गिरे यहाँ पे। और अभी हाल ये हो गया है कि मैं 1 विकेट पता नहीं क्यों कम काउंट करके गिन रहा था, वो रनआउट तो मैंने गिना नहीं था, गलती कर दी थी। अब 1 विकेट चाहिए चेन्नई को, चांस बने हैं चेन्नई के यहाँ पे, अगर 1 विकेट कहीं से निकाल लेता है तो जीत भी सकता है ये। 3 विकेट के लिए ली मेयर, थोड़ा डिफेंस खेलेंगे हम लोग। दीप चहर भाई 3 रन रोक लो, विकेट ले लो, एक खाली जीत जाएगी चेन्नई। 12 गेंदे 3 रन, 4 जाना चाहिए। विन मेयर ने जिता दिया शॉट लगाकर, थोड़ा सा ऐसा लगा था कि आखिरी समय में कि चेन्नई कर सकती है, लेकिन एक गलत गेंद मेरी फेवरेट गेंद दे दी, यॉर्कर ऑफ साइड और मार दिया हमने चौका। और इसी के साथ हम शायर यहाँ पे बनता हुआ विनर इस मैच का, चेन्नई की जो जीत की लय थी वो टूटी है, हम शायर यहाँ पे दूसरा मैच जीतता हुआ।
और ये है मैच समरी। टाइमो ट्यूब्स भाई जो नाम सबसे मुश्किल था उसी को मैन ऑफ द मैच मिल गया, एंडरसन। टाइमो ट्यूब्स एंडरसन यहाँ मैन ऑफ द मैच बनते हैं। शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस और गेंदबाजी भी मिली थी, कुछ खास नहीं कर पाया लेकिन ठीक है। अभी के लिए खाता में जो नंबर जुड़ेंगे वो हैम्पशायर के जुड़ेंगे जीत के, चेन्नई को मिली हार। अभी के लिए मैं ले रहा हूँ विदा। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, लाइक करें। होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।